हाय एवरीवन एंड वन सेकेंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉपकॉर्न मेड इजी। तो आज का रेसिपी है चिकन बिरयानी और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज मैं ये चिकन बिरयानी बहुत सिंपल बेसिक तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आप आसानी से घर में ये बिरयानी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी वीडियो को। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। उसके बाद मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला। ये मेरा रेडीमेड बिरयानी मसाला है। अगर आपके पास होममेड है तो आप उसे यूज़ करें, उससे फ्लेवर और भी ज़्यादा बेटर होगा। और बिरयानी मसाला थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाला है। फिर मैंने ऐड किया है नमक, या अपने स्वाद अनुसार डालें। उसके बाद मैंने ऐड किया है केवड़ा वाटर। मैंने यहाँ पे एक ढक्कन केवड़ा वाटर यूज़ किया है। इससे जो बिरयानी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने ऐड किया है जिंजर, इसको मैंने ग्रेट करके डाला है। और एंड पे मैंने डाला है ग्रेट किया हुआ गार्लिक। तो अभी इन सारे चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और चिकन को हमें 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अगर आप एक घंटे के लिए रख सकते हैं तो और भी बेटर है, अदरवाइज़ 30 मिनट्स काफ़ी हैं। तो दूसरे साइड पे मैंने यहाँ पे बासमती राइस ले लिया है। इसको पहले मैं अच्छे से धो रही हूँ और उसके बाद इसको 30 मिनट के लिए मुझे भिगो के छोड़ना है। ध्यान रखिएगा कि आप इसे पहले धोएंगे और उसके बाद ही आप इसको भिगोएंगे 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट मेरा हो गया है, अभी मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले लिया है और आलू के ऊपर मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। मैंने यहाँ पर कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं किया है, तो अगर आपके पास येलो फूड कलर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ टर्मरिक इनाफ है। तो उसको थोड़ा सा हल्दी लगा के मैं एक मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए आप उसको फ्राई कर लें। तो आलू फ्राई करने के बाद सेम पैन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 मीडियम साइज्ड प्याज। प्याज को आपको थोड़ा सा फ्राई करना है जब तक ये हल्का लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए इसका। तो यहाँ पे मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है और अभी मैं उसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेटेड चिकन। ये चिकन जब हम पकाएंगे तो उसमें कोई पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही का जो दही में से जो पानी निकलता है वही काफ़ी है। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ फ्राइड पोटैटोस और इन सारे चीज़ों को मैं 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लूँगी। तो मेरा जब तक चिकन रेडी होता है तो एक ही साथ मैं चावल भी रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है और ऐड कर दिया है खड़े गरम मसाले। अगर आप चाहें तो गरम मसाले पोटली में भी बांध कर डाल सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है नमक। तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका चावल फीका लगेगा। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो आपको चावल ऐड करना है और आपको चावल को पूरा कुक नहीं करना है, इसको हाफ डन करना है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका चावल पूरा कुक ना हो जाए। तो बिरयानी का जो फाइनल स्टेप है लेयरिंग, अभी मैं वो करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर लिया है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप स्किप ना करें। और सबसे पहले मैंने ऐड किया है चावल को। तो देखिए, चावल मैंने पूरा कुक नहीं किया था, 80% तक ही उसको कुक किया था और कितना अच्छा खिला खिला जैसा बन गया है मेरा चावल। तो पहला लेयर यहाँ पे मैंने चावल का किया है
और उसके बाद मैंने ऐड किया है चिकन। तो चिकन को भी मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही कुक किए थे, ज़्यादा कुक ना करें नहीं तो ज़्यादा ओवर बॉइल्ड हो जाएगा। तो मेरा चिकन का लेयरिंग हो गया है और उसके बाद दोबारा से मैं चावल का एक लेयर बनाऊंगी। और उसके बाद मैंने ऐड किया है मेल्टेड घी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि घी अगर आप नहीं डालते, स्किप करते हैं, तो बिरयानी का जो फ्लेवर है वो ज़्यादा खिल के नहीं आएगा। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप घी डेफिनेटली ऐड करें और घी को मेल्ट करके ऐड करें। और उसके बाद जो आलू है आपका वो ऐड कर दें। और दोबारा से मैंने यहाँ पे एक चावल का लेयर बनाया है। और फिर सबसे ऊपर में मैंने डाला है बिरयानी मसाला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे डेफिनेटली डालिएगा, स्किप मत करिएगा। बिरयानी मसाला जो मेरा रेडीमेड मैंने डाला था चिकन में, वही डाला है। और जो मेरा बचा हुआ मेल्टेड घी था उसको भी मैंने डाल दिया है। और अभी जो मैं डाल रही हूँ वो है सैफ्रन मिल्क। मेरे पास केसर था तो उसको मैंने दूध में भिगो के रखे थे, गर्म दूध में, और उसको मैं डाल रही हूँ। तो ये डालने से डेफिनेटली बिरयानी का जो फ्लेवर है वो एक डिफरेंट लेवल में हो जाता है। अगर है आपके पास सैफ्रन तो डालिए। और एंड में मैंने डाला है कुछ फ्राइड अनियंस, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसमें टेस्ट का कुछ ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। सो दैट्स ऑल, रेडी हो गया मेरा बिरयानी का लेयरिंग। अब इसे मैं स्टीम करूँगी 20 मिनट के लिए और उसके बाद गर्मा गर्म सर्व करें। तो ये था मेरा आज का चिकन बिरयानी का रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। बहुत ही बेसिक कुछ स्टेप्स है, आप इसे फॉलो करिए और आप भी घर में बना सकते हैं चिकन बिरयानी। ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा बनता है। और वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।